जल्दी 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 तारीफ करो भाई, तारीफ करो सब। ठीक है, आप इस बेबी को आगे लेकर आ जाओ। हाँ बताओ, इनकी क्या गवाही है बताओ बताओ, ध्यान से सुनो सब, ध्यान से सुनो। हालेलुया, जिस सिस्टर का नाम मनदीप कौर है और जो मजीठा रोड नौ बुर्ज गांव के रहने वाले हैं, और जिस सिस्टर की बेबी बॉय के ब्लेसिंग की गवाही है, और जिस सिस्टर की गवाही जे के 5 साल से जिस सिस्टर प्रभु में थे और जो अदर चर्च जा रहे थे, और जिस सिस्टर बता रही कि जैसे परमेश्वर ने इनको बेबी के साथ ब्लेस किया, तो जिस सिस्टर बता रहे कि इनको ऐसे बेटे की आशीष चाहिए थी, और जिस सिस्टर का ब्रदर था और उसने किसी देसी हकीम के बारे में बताया कि वो बेटा होने की ऐसे मेडिसिन देता है, तो जैसे इन्होंने जिस सिस्टर ने अपने हस्बैंड के साथ बात की, तो जिस सिस्टर ने उस देसी हकीम के पास ऐसे जाना स्टार्ट किया, और वो ऐसे इनको इंजेक्शन लगाए उसने, जैसे 9 मंथ तक इनको इंजेक्शन लगाए। तो जैसे जिस सिस्टर बता रहे कि उसने ये भी बताया कि आप 5 महीने तक अपने मायके नहीं जाओगे और अदर जगह आप जा सकते हो, तो जैसे जिस सिस्टर ने ऐसे 5 महीने तक जब जे इन बेबी के साथ ब्लेस थे, तो जो 5 महीने तक ऐसे अपने मायके नहीं गए और इंजेक्शन भी लगवाते रहे बेटे के, तो जैसे इनकी डिलीवरी हुई तो इनके घर बेटी हो गई, और जैसे इनकी बेटी हुई तो इनका मन निराश हो गया, क्योंकि पहले भी जो चर्च जाते थे प्रभु में थे, पर जैसे जो सही गाइडनेस थी इनको नहीं थी मिली, तो इनका काफ़ी मन निराश हो गया, और जो परमेश्वर से भी पीछे हट गए और कुछ समाज परमेश्वर से दूर है। तो जैसे जी सिस्टर इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े, इस सिस्टर को अभी 3 साल हो गए, तो जैसे जी इस मिनिस्ट्री का साथ जुड़े थे, और जैसे जी सिस्टर फिर से बेबी के साथ ब्लेस हुए, और जिस सिस्टर ने प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई, और जैसे इन्होंने प्रार्थना कराई और जो मीटिंग में आते रहे, तो जैसे जी सिस्टर मीटिंग में आए और इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई बेबी बॉय के लिए, सबसे पहले हम उस क्लिप को देखते हैं। तो जैसे इनके लिए प्रार्थना हुई और जो सिस्टर फिर से ऐसे मीटिंग में आते रहे, और इनके साथ इनके प्रभु के दास के साथ इनकी अलग से फिर मीटिंग हुई, और प्रभु के दास ने इनको बताया कि आपको परमेश्वर बेटे के साथ ब्लेस कर चुके, तो आप परमेश्वर के आदर के लिए परमेश्वर का आदर करो एडवांस में। तो जैसे जिस सिस्टर ने इस वर्ड इस वचन को लिया रिसीव किया, और जिस सिस्टर ने ऐसे अलग मीटिंग में आए, और जिस सिस्टर ने प्रभु के आदर के लिए परमेश्वर के लिए अपनी भेंट को लेकर आए, तो प्रभु के दास ने इनके लिए उस भेंट के लिए इनके लिए प्रार्थना की। हम उस क्लिप को भी देखते हैं। इब्रानियों 11:1 में अपना वचन दिया कि अब विश्वास आशा की कोई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रणाम, ये बच्ची खुदावंद ये तेरी आदर उस महिमा के लिए उस भेद देखो जो खुदावंद तेरे भवन तेरे दास तेरे पास लेकर आए। 11 के वचन के अनुसार परमेश्वर ने यस कर यस खुदावंद तूने कहा मेरा वचन। तो जी सिस्टर अपनी भेंट को लेकर आए, और जैसे प्रभु के दास ने इनके लिए प्रार्थना की, और परमेश्वर ने जैसे इनकी डिलीवरी हुई, तो परमेश्वर ने सिस्टर को आज बेटे के साथ ब्लेस किया है। हम सब तारीफ करेंगे क्लीसिया इस गवाही के लिए। और सुनो
सुनो सुनो सुनो, कब परमेश्वर आपको ब्लेस करता और आशीष करता है? जब आप उसके वचन पर खड़े होते और बने रहते हो। आमीन। क्योंकि पहले इनका विश्वास था, दृढ़ विश्वास था। हाँ, पहले तो अपनी बुद्धि से किया। हाँ, पहले ये जहां पे नहीं आती थी बेटी, किसी अदर चर्च में ये जाती थी, तो किसी ने फैमिली में से इसी ने इन्हें बताया इनके कि आप बेबी होने की जैसे मेडिसिन खाते ना, तो देसी हकीम तक हुई, तो उसने 10 इंजेक्शन इन्होंने बेबी बॉय होने के, वो ताकि परमेश्वर, हाँ ऐसे परमेश्वर, मतलब परमेश्वर तो लोग तो उसको रखते हैं ना, क्योंकि ये ऑलरेडी तब भी प्रभु में थे, पर अपनी बुद्धि से क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। तो बेटा होने के लिए 10 इंजेक्शन लगाए, पर हुई कि क्या हुई, बेटी हुई। वो बेटी आपकी कहाँ है? हाँ, ये जब इन्होंने पहली बार, जब ये सिस्टर प्रेग्नेंट थी, तो बेटा होने के लिए इन्होंने किसी देसी हकीम से 10 इंजेक्शन लगाए और ये बेटी हुई, ये वाली। और फिर इनका मन निराश हो गया, काफी समय तक ये डामा डोल रही, और फिर से इन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया और अच्छा मन बनाया, अपने मन को अच्छा किया और लगातार आते रहे, क्या रहे, आते रहे, और परमेश्वर ने फिर से इन्हें ब्लेस किया और आपने देखा कि इन्होंने चाहत से ले हैंड भी कराई कि परमेश्वर मुझे बेबी बॉय के साथ क्या करें, आशीष करें, समझे हो। और फिर उन्होंने जब ये चीज कराई तो मुझे दोबारा मिले, तो मैंने कहा भाई परमेश्वर आपको ब्लेस कर चुका है, क्या कर चुका है, आपको बेटे की आशीष दे चुका है, क्या करो, अपने जो भी कुछ करना है परमेश्वर के लिए आप एडवांस में करो। जैसे कुछ लोग विश्वास करते ना, होगा तो फिर करेंगे, कैसे विश्वास करते, होगा तो हम करेंगे, पर मैंने कहा आप एडवांस में करो। और ये अपनी भेंट लेकर आए और मैंने प्रार्थना की, बोलो क्या, ये अपनी भेंट लेकर आए एडवांस में कि परमेश्वर हमें बेटा दे चुके हैं। आपने सुना जो मैं प्रेयर में प्रेयर कर रहा था, तो मैं एक वचन को लेकर प्रेयर कर रहा था, इब्रानियों 11 की 1 को, कितने लोग इस वचन को जानते हैं, समझ आ रही है? इब्रानियों 11 की 1 में लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, प्रमाण है। बोलो क्या है, जो चीज नहीं है, जैसा भी बेबी तो अभी पेट में, क्या है बेबी तो अभी पता नहीं है ना, क्या होगा जब डिलीवरी होगी तब पता चलेगा ना, क्या होगा, बेटा होगा कि बेटी हो। पर परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि जो आप मुझ पर विश्वास करते हो, उसका वचन हमें बताता है कि अब मतलब अभी, आज से विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, परिणाम है। परिणाम मतलब सबूत है कि वो चीज आपके पास है। आमीन। क्या है वो चीज आपके पास है, और मैंने इन्हें और भी उस चीज के लिए इनके मन को अच्छा किया, क्या किया, और मैंने उस वचन के साथ जब प्रेयर किया और इनको बोला परमेश्वर आपके लिए कर चुका, और देखो आज ये बेबी बॉय इनके हाथ में बोल गया है, और ये सब इनके जो फैमिली वाले इनके आज साथ आए, और इस खुशी के लिए और इस ब्लेसिंग के लिए जो परमेश्वर ने आज इन्हें बेबी बॉय के साथ ब्लेस कर चुका है, जिनके पास नहीं है वो भी विश्वास करो, इब्रानियों 11 के वचन के अनुसार परमेश्वर आपको भी ब्लेस कर चुका है। सब तारीफ करेंगे, अरे खुशी मैंनु ये सुने, सब सब खड़े होकर ऐसे खुशी विच सब नाचते हुए, सब खुशी मैंनु ये सुने बताइए, नाचते हुए हरे खुशी मैंनु ये सुने, अब नाचना नहीं चाहते, फैमिली वाले नाचना नहीं चाहते, जोर से जोर लोका विच देनी मैं गवाही है के नचने नु दिल करदा, दिल से ओ दे लोका विच देनी मैं गवाही है के
किसी की खुशी आपकी खुशी। बोलो क्या है? ओ दे लोग की खुशी आपकी देनी मैं गवाही है कि नचने नु दिल करदा। के नचने नु दिल करदा, मेरा नचने नु दिल करदा, के नचने नु दिल करदा, के नचने नु दिल करदा। अंधकार विचो मैनू यसु ने बुला लिया, अंधकार विचो मैनू यसु ने बुला लिया, अपने च मैनू यसु ने बुला लिया, अंधकार विचो मैनू यसु ने बुला लिया, नूर अपने च मैनू यसु ने बुला लिया, हर दिन मेरी शाम रोशनाई है के नचने नू दिल करदा, हर दिन मेरा शाम रोशनाई है के नचने नू दिल नाचते हुए नाचते आप भी नाचो, मेरा नचने नु दिल करदा, नचने नु दिल करदा, नचने नु दिल करदा, नचने नु दिल करदा, मेरा नचने नु दिल करदा, नचने नु दिल करदा। Amen. Hallelujah. Hallelujah.